और अब हे सिक्सा अब हम खाना कैसे पकाएंगे? खाने की चिंता मत करो, मैं लाया हूँ ये पत्ता जो पानी को बना सकता है मनपसंद खाना। लेकिन पानी ही नहीं है प्रोफेसर, फसल बर्बाद हो रही है, खेत एकदम सूख गए हैं। ये कैसे हुआ? यू, किसी को पानी चाहिए? चिंता मत करो, सबको पानी मिल जाएगा, बस एक हाथ से थोड़ा दे दो और दूसरे हाथ से पानी ले लो। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ये पानी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बच्चों, ये पानी मेरा है, ये मेरा नया आविष्कार पानी बनाता है और मैं बेचता हूँ। तुमने ढोलकपुर का पानी चुराया है और कल जो बारिश हुई थी हम सब ने सुनी, वो पानी कहाँ है? कल बारिश नहीं हुई थी क्या? मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, लगता है तुम्हारा आविष्कार सच में लोगों की मदद कर सकता है सुकेतु। सुकेतु ही है इस मुसीबत के पीछे, लेकिन इन्होंने किया कैसे? हाँ, एक तरीका था और सबूत भी मिल जाएगा। चलो जंगल में। मिल गई। देखो ये सुरंग कुएं में से पानी निकाल रही है। तू ढोलकपुर के पानी को ही हमें वापस बेच रहा है? भीम वो देखो। डॉक्टर सुकेतु, अभी तो शुरू ही हुआ है बच्चों। प्रोफेसर मुझे अपना आविष्कार दे दो। रसीले टमाटर बन जाओ। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। ये। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं
कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा है? अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया? अरे जाकर देखो कौन है उधर। बचाओ, बचाओ। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। देखो अब बहुत हो गया, भोलू मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या, ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता? रुक जा ढोलू। जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुक जा ढोलू, वरना तू भी पकड़ा जाएगा। उस्ताद मेरे पास एक तरकीब है। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। उस्ताद, अगर ढोलू ने उन दोनों पहलवानों का ध्यान नहीं बटाया होता तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इन बच्चों ने इतने तो मन में नाक में दम कर दियो है। तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। ओहो हो भाया, अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो और उनको बंद कर दो। शमशेर सिंह और रिंकू भाई बता रहे थे और सुबह तो कितना झगड़ रहे थे हैं? ये दिशुं, तुम लोगों को हमें भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे भी हम कहाँ झगड़ रहे थे, तुम लोग ही तो हमें उकसा रहे थे। पर हमने तो कुछ भी नहीं। बस बस, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। चलो उस्ताद यहाँ से निकलते हैं। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी, मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद हमें भी नहीं। सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो।